आजकल फार्म भर रहे हैं, आए कि नहीं आए, फार्म भरने वाला आए थे, एक एक महिला को बुलाओ, दादी है दस क्यों ना हो सकता, कोई दादी बना दी, कोई बू बना दी, कोई मासी बना दी, कोई बेबी बना दी, कोई भांजी बना दी, ये है स्टाइल उनका ठगने का। जब वो ऐसी भाषा बोल रहे तो हम लोग की कांग्रेसी ठगने के लिए आ गए, फार्म भर रहे। हमारे इलाके में भी घूमे होते, मेरे को लगे मिलने लोग बोलते कांग्रेसी आए, बोलते यहाँ पर फार्म ले भरने, बोल तुम्हारे, मैं कहा क्या भर रहे फार्म, बोलते तीन सीट लग रहे हो। एक बुजुर्ग ने कहा कि भाई तीन सीट तो लगा दिए जा रहा हमने, बोलता है यहाँ मैं लेने और बुध, तो तीन सीट तो एक के मिली। अब कैसे, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये पीन श्रम ने कांग्रेसियों को लगा के रखी, उनको लगी हुई है, लेकिन पूरे देश में लगी हुई है। अरे लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम आएंगे तो हम ये करेंगे, हम 1500 रुपए देंगे महिलाओं के खाते में, हम आएंगे तो हम बेरोजगारी को समाप्त कर देंगे, 1,00,000 नौकरियां दे देंगे। पहले तो हमको बताओ कि 2013 में उन्होंने कहा था, 2013 के चुनाव में कहा था कि हमको हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने का मौका दीजिए, हर एक परिवार से एक आदमी को, एक नौजवान को सरकारी नौकरी देंगे, बोला था कि नहीं बोला था, सबको मिल गई नौकरी, एक नौजवान को एक। अभी केदारनाथ जाना हुआ जिसका मैंने जिक्र वहां सभा में किया था, सिर में हिमाचल की टोपी, ऊपर से गद्दी चौड़ा, और यहां कमर में जो हमारे बोलते हैं ना, जब गाची बोलते हैं उसको, आपके भी गाची बोलते हैं ना, हाँ, तो गाची मफलर की गाची लगा करके पैर में पूड़े पहन करके वहां पर मंदिर के दर्शन करने के लिए पहुंचे, पूरे उनके बदन पर हिमाचल ऐसे सजा था जिसको दुनिया ने देखा। इसका मतलब क्या है, मतलब यह है कि हिमाचल के प्रति, हिमाचल की हर बात के प्रति उनका कितना सम्मान है। और इसलिए मेरा आप सबसे भी निवेदन, अभी चुनाव का दौर है तो गाची बांध लो भाई, और गाची बांध करके निकलो। हमारे होता ना जब बड़ा कोई काम करना होता है, कोई बड़ा कोई भी बड़ा ब्राल करना, ब्राल बोलते हैं कि नहीं, ब्राल जिसको भी जिसको उठा करके लाते हैं, बड़ा जिसको ठेला लकड़ी का, जिसको एक आदमी उठा नहीं सकता है, हाँ हो रहा, वो भी आपकी वहां वो भी एक ही बात। तो क्या करते हैं कि मर्द लोग गाची पहनते हैं, कमर बांध करके फिर निकलते हैं कि भाई वजन उठाना है, तो चुनाव के लिए भी भाई गाची बांध लो, आप गाची बांध करके निकलना है। और महिलाएं भी जाती हैं, जब बोझा उठाना होता है तो गाची कस करके जाती है, और फिर बोझा चाहे वो 60 किलो का 70 किलो का उठा करके ले आती है। तो ये भी भाई एक तरह का ऐसे ही समझ लीजिए, एक बोझा है ठीक तरह से, जिसको हमको पूरी ताकत के साथ उठाना है।